भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम ने दमदार वापसी की। कप्तान विराट कोहली के शतक की मदद से टीम इंडिया मैच में इंग्लैंड की बराबरी पर आ खड़ी हुई है। पहली पारी में इंग्लैंड के 287 रनों के जवाब में विराट कोहली के 149 रनों की मदद से टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 274 रन बनाए। दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम एक विकेट के नुकसान पर 22 रनों की बढ़त हासिल कर चुकी थी, लेकिन इसके बाद 6 विकेट पर 86 रन उनका स्कोर हो गया लंच तक। दूसरे दिन के खेल के बाद टीम इंडिया के विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव ने हाल ही में कहा कि विराट कोहली अब सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के औहदे पर आ खड़े हुए हैं, जहां पूरी टीम उन पर निर्भर रहती है। कपिल ने कहा कि अगर देखा जाए तो सचिन या राहुल के बाद इन पर ऐसी जिम्मेदारी आई है जिस पर पूरी टीम निर्भर करती है। लक्ष्मण आए, गांगुली आए, सहवाग आए, लेकिन उन पर ऐसा दबाव नहीं आया। वो बड़े खिलाड़ी थे, जैसे सहवाग तेज बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन द्रविड़ सचिन पर जिम्मेदारी होती थी। विराट भी ऐसे ही औहदे की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने विराट कोहली के शतक पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कप्तान के शतक से उनमें आत्मविश्वास आएगा और इससे टीम को भी फायदा मिलेगा। वहीं कपिल इस बात से भी निराश नजर आए कि टीम के बाकी बल्लेबाज अपना योगदान नहीं दे सके। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।